खबर हरदोई से है, जहां पर हरदोई के बिनीगंज क्षेत्र में अवैध रूप से कई संचालित हो रही हैं आरा मशीनें व कोयला की भट्टियां। एक बार फिर बता दें आपको कि आरा मशीनें व कोयला की भट्टियां अवैध रूप से जनपद हरदोई के बिनीगंज क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। जानकारी के अनुसार बिनीगंज क्षेत्र में आरा मशीनें व कोयला की भट्टियों का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से बेलहिया रोड पर है। इस तरफ जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाता, वन विभाग अनजान बना हुआ है। अगर माने तो शासन और प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर कोयले की भट्टियाँ व आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। संतोष मिश्रा, हरदोई, एईजेड न्यूज। खबर शामली से है, जहां पर दो पक्षों में आपसी झड़प हो गई। पक्ष का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले रामगोपाल पंचाल वो शराब के नशे में आए और मारने पीटने और गाली गलौज करने लगे। हालांकि रवि कुमार ने 100 नंबर डायल कर पुलिस से सहायता लेनी चाहिए, परंतु पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को छोड़ दिया। एजे न्यूज के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट। अटल विहार, वार्ड नंबर 13, शामली। भाई साहब, जो घटना आपके साथ कल हुई है, उसमें कौन था घटना करने वाला? ये हमारे घर के सामने पड़ोस में रहते हैं सोमपाल, वो थे और उसके साथ में कुछ साथी। तो सोमपाल जी ने आपके साथ मारपीट करी या उन बंदों ने मार के पीट करी? मारपीट की गली गलौज किया सोमपाल और सभी साथियों ने। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? कुछ नहीं, अपना होली खेल के घर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, गाली गलौज भी, फिर उसके बाद हम सोचते रहे घर के अंदर ही हो रही होगी, आपस में कर रहे होंगे, लेकिन काफी समय तक हमारा जब नाम लेकर गाली गलौज करने के हम बाहर आए, तो बाहर आते ही उन्होंने हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश की और गाली गलौज किया। और उसके बाद आपने तहरीर दी पुलिस को? तहरीर दी आपने? तहरीर दी, 100 नंबर पर फोन किया, बल्कि छूट छुटा पे जब हो रही थी तो हमारी बहन के भी कपड़े वपड़े उन लोगों ने फाड़े, भद्र व्यवहार किया उसके साथ जी। फिर हमने 100 नंबर पर फोन किया जी। उसके आधे घंटे के बाद गाड़ी आई और हमें लेके थाना, उसे सोमपाल को लेकर थाना चली गई। अच्छा, तो आपको अवगत कराया कि जब उनको छोड़ा गया? नहीं नहीं, शाम को देर रात उसको छोड़ दिया गया, लेकिन हमें कोई सूचना अवगत नहीं किया आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। आपने तहरीर किसको दी थी वहाँ पे थाने जाके? तहरीर जो अंदर ऑफिस में बैठते हैं सामने, नाम तो मैं उनको नहीं जानता। अच्छा, आप कोतवाल से मिले? नहीं, कोतवाल साहब नहीं थे। एसपी साहब से मिले आप? एसपी साहब के पास आज गया था मैं 3 तारीख में, लेकिन नहीं मिले। तो फिर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कराना है? हाँ, जब उन्होंने रात 10 बजे उसको छोड़ दिया, उसके बाद में दोबारा उन्होंने आके हमारे साथ गाली गलौज की, घर के अंदर ही बैठकर कहने लगे इन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। तो फिर रात को 10 बजे मैं वापस थाना पहुंचा, दोबारा एप्लीकेशन दिया, उसके बाद पुलिस ने घर पर रेड मारी, लेकिन आरोपी वहां पर नहीं था।